दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज चंदन पांडे के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं वजीरपुर विधानसभा के विधायक राजेश गुप्ता जी। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। हमारे साथ वजीरपुर विधानसभा के विधायक राजेश गुप्ता जी हैं। क्या कहना चाहोगे जो आज दिल्ली एमसीडी के चुनाव है? देखिए जी, दिल्ली के अंदर तो मैं पूरी दिल्ली में तो केजरीवाल जी का जादू है ही, लेकिन वजीरपुर विधानसभा के लगभग 80% बूथों पर मैं घूम चुका हूँ और अब मैं यहाँ से जो 20% रह गए उन पर जा रहा हूँ। और फिलहाल तो जो मुझे लगता है कि सीएम साहब थोड़े से मॉडेस्ट हो गए, जो उन्होंने 230 कहा, मुझे तो 250 ही लग रही है। मुझे तो एक तरफा ही लग रही है, बिल्कुल 250। एक तरफा कैसे लग रही है? एक तरफा इसलिए लग रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, बसपा, उन साथियों ने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, सफाई होनी चाहिए। गंदगी में कौन रहना चाहता है? हर आदमी चाहता है सफाई हो। तो सब ने मिलकर इस बार आम आदमी पार्टी को जिताया है। पहले भी जो दिल्ली में 67 सीटें आई, 62 सीटें आई, वो तभी आई जब सब ने दिल्ली को में आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो मैं दो बार विधायक बना तो सब ने दिल खोल के प्यार दिया, सम्मान दिया, तभी मैं आज पोजीशन पे आया। तो मुझे लगता है कि वैसा ही माहौल है, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा। क्या मिनी पार्षद जो RWA को बनाया जाएगा उससे फ़र्क पड़ेगा? मेरा ये मानना है कि शुरू से मिनी पार्षद जो शब्द दिया है मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन इसके अलावा दिल्ली में जिस तरीके की सरकार हम चला रहे हैं, कोशिश है कि हर आदमी अपने आप में अरविंद केजरीवाल हो, हर आदमी अपने आप में विधायक हो। वो दिल्ली में बड़ी लिमिटेशंस है काम की, छोटा एक आधा राज्य, एक चौथाई पावर है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से काम करके दिखाए गए हैं, तो जो आपने मिनी पार्षद कहा, मुझे लगता है कि जितने भी RWAs हैं या जनता है, उसको इस बात का महसूस हो रहा है कि इतिहास में पहली बार राजनीति में पब्लिक को एम्पावर करने की बात हो रही है। नहीं तो वोट लेके भूल जाया जाता था, लेकिन आज जो हम मिनी पार्षद की बात कर रहे हैं, पब्लिक को पावर देने की बात कर रहे हैं। आज दो सिल्ली बदलनी है, उसके लिए एक विधायक अगर MTD में फंड देता है तो 6 महीने लग जाते हैं, अगर पार्षद खुद करे तो भी 15 दिन लग जाते हैं, लेकिन वो दो सिल्लियाँ बदले कैसे? बंगाली तो 100 बढ़ेंगी, आप दो नहीं मंगा सकते। तो मिनी पार्षद का मतलब ये कि उन पर इतना फंड हो कि दो सिल्लियाँ हैं, एक लाइट है, तो वो खुद करा ले। तो मुझे लगता है ये ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और जनता इस बात के ऊपर बहुत खुश है और एक तरफा वोटिंग कर रही है। और एक छोटा सा सवाल, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने झुग्गी बस्ती वालों के लिए 3024 फ्लैट दिए हैं, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? भाई झुग्गी वालों से पूछ लो, किसी के पास में कोई चाबी हो तो मैं और आप चाय पीने चलते हैं वहाँ पर। तो मिले क्या दिया तो होगा, तभी तो कह रहे हैं ना, तो खुला कह रहे हैं। अरे सर, देने में तो मैं कह दूँ मैंने 3000 कोठियाँ दी है तो दिए, तो ऐसे कोई कुछ ही बोल दे, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर दिए होते तो उसमें बैठ जाते। लेकिन मेरा एक मानना है, अक्रॉस द पार्टी, कोई भी पार्टी हो, मैं ये कह रहा हूँ, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो, देने चाहिए। जो हमारे झुग्गी बस्ती में भाई रह रहे हैं, आज हमारे बच्चे बहुत पढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है कि सबको झुग्गी में, मैं आपको बच्चे दिखाऊं, पढ़े लिखे हैं, खूब अच्छे हैं, तो आज झुग्गी में बहुत काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं। सीवर नहीं डाल पाते, डालना ही नहीं है तो नाली है, अलाउ ही नहीं है एक तरीके से, तो नालियाँ हैं वहाँ पर, टॉयलेट के लिए सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं। तो एक अच्छा काम तभी होगा जब इनको एक ऐसी जगह दी जाए जहाँ से फ्लैट्स दिए जाए, जहाँ पे अच्छे तरीके से रहे। तो मेरा तो हर पार्टी से रिक्वेस्ट होती है, और क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये ज़रूर चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इनको अच्छे से अच्छे फ्लैट दिए जाए, ताकि ये लोग भी बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर रहे, सम्मानजनक जीवन जिए। ये राजनीति से ऊपर उठ के भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सर।